इस देश में बॉल से खेलने वालों को तो पेंशन मिलती है, परंतु बुलेट से खेलने वालों को मिलता है सिर्फ दिलासा। जी हाँ, क्रिकेट में चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, प्लेयर्स को मिलती है आजीवन पेंशन। वहीं एक अर्धसैनिक बल का कोई भी जवान, चाहे वो CRPF, CISF, BSF का हो, उन्हें ड्यूटी करने के बाद में मिलता है वो है बेरोजगारी। जी हाँ साथियों, 20 साल सेवा देने के बाद में एक प्रकार से हमारे अर्धसैनिक बल का सदस्य बेरोजगार हो जाता है। साथियों, हमारा ध्यान इस तरफ तब गया जब हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने एक नियम निकाला। उन्होंने कहा कि मात्र 3 रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी को RCA देगी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अब देगी पेंशन, और ये पेंशन मात्र 3 रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के बाद उनको दे दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर अर्धसैनिक बल का सदस्य कुल मिला के टोटल 30 साल नौकरी करे तो भी उसके बाद में बिना पेंशन के घर को आ जाता है और एक बेरोजगार हो जाता है। इस देश में अर्धसैनिक बलों का ये जो हाल है उसके ऊपर ना सरकार ध्यान दे रही है, ना BCCI और ना उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स। साथियों, BCCI सभी क्रिकेट प्लेयर्स को जो भारत के लिए कोई भी मैच खेले हैं उन्हें पेंशन देती है, और ये पेंशन OPS ओल्ड पेंशन स्कीम या NPS न्यू पेंशन स्कीम से कहीं ज़्यादा है। वहीं भारत सरकार सेना जिसके पास में जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आते हैं, उन्हें तो अभी भी पेंशन मिलती है, लेकिन अर्धसैनिक बल जैसे BSF, CRPF, CISF इनकी 2004 से पेंशन बंद है। साथियों, माना क्रिकेट जगत में पैसा आता है, बहुत पैसा है, BCCI नहीं उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स की जो क्रिकेट एसोसिएशंस है उनके पास भी बहुत पैसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश का पैसा, देश के लोगों का पैसा मात्र रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वालों के कुछ ही लोगों को दे दिया जाए। ये मैच खेलने का जो माहौल बनाया जाता है वो अर्धसैनिक बलों के द्वारा ही बनाया जाता है, क्योंकि उनकी सारी ड्यूटीज़ उन्हीं की होती है सिक्योरिटी पर्पज से, तो उनके। साथियों, सरकार को रूल बनाने चाहिए, BCCI पर खर्च का दायरा फिक्स करना चाहिए, और देश में कार्यरत अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी 20 साल बाद सेवा देने के बाद जो बेरोजगारी का डर होता है उससे उबारना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।